बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मतलब कि थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, 2-3 दिन से है तबीयत ख़राब। मैं बता नहीं रही थी, मुझे लग रहा था शायद मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैंने कहा क्यों बताना। अभी मेरे पास ब्लॉग था, वीडियो था, कल मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया था। बट तो आज सुबह मुझे लगा कि मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ज़्यादा ख़राब लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ठीक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ, क्योंकि बाबू कह रहे तुम ऐसी मायूस दिख रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। अभी वो किचन में बना रहे हैं मेरे लिए क्या बोलते बहुत ही अच्छी सी एक डिश, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड चलिए मैं आप लोगों के साथ वो तो रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। एंड ये जो कुर्ता है ना, ये मुझे सानू दीदी ने गिफ्ट में दिया था, आप सभी को पता होगा बर्थडे गिफ्ट था, तो मैंने यही पहना है। मेरी बिंदी नहीं मिल रही है तो मैंने आज बिंदी नहीं लगाई है। और चलिए हम चलते हैं पहले किचन में, देखते हैं क्या बना रहे हैं। वैसे मुझे बनाने हैं पहले राइस, रेडी करने हैं राइस, क्योंकि जो राइस है वो बाबू से नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मेघा वो मुझसे नहीं बन पाएगा, तुम कर दो। तो मैं जाके अभी कर रही हूँ। फर्स्ट अभी मैं जस्ट नहा के आई तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। सो गाइज़, हमें यहाँ पे बीच फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले पानी को चढ़ाना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है लाइक आधी चम्मच, एंड थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालना है। ऑयल जैसे डालने से क्या होता है, चावल एक का एक रहता है, थोड़ा सा इसे मिला दीजिए। और पानी अगर आपको कम लगे तो आप पानी को बढ़ा भी सकते हैं, मैंने बढ़ा दिया था बाद में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम है। तो ये देखिए पानी हमारा खौलने लगा। अब इसमें हमने राइस डाल दिए हैं, और इनको हमें 80% कुक करना है, मतलब कि आपको इसे 100% कुक नहीं करना है। और जब ये कुक हो जाए तो आपको इसे एक छल्ली में निकाल लेना है, जैसे पोहा छालने वाली छल्ली होती ना उस टाइप में, ताकि इसका पूरा पानी रिलीज़ हो जाए। तो मैंने इस छल्ली में इसको निकाल लिया है। और अब आपको क्या करना है, इन चावल को ठंडा होने के लिए पंखे में रख देना है, चाहे तो आप कूलर के सामने भी रख सकते हैं। मैंने पंखे के नीचे रख दिए थे चावल सारे एक प्लेट पे निकाल के, तो आप ऐसा करेंगे। और अगर आप शाम के टाइम बना रहे हैं ना इसे, तो दोपहर में चावल बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने जो हमारे चावल हैं वो पंखे में रख दिए हैं, अब ये ठंडे हो जाएंगे। तो जब तक वो चावल ठंडे वहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे बाबू अपनी प्रिपरेशन करने लग गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें डाला है उन्होंने ये अदरक लहसुन किसा हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं तो खड़ा खड़ा भी डाल सकते हैं, यानी कि बारीक बारीक पतला पतला काट के, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब कई लोगों को ना इसका कच्चा टेस्ट जो है अच्छा लगता है, बट हमें अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट नहीं पसंद। सो सबसे पहले हमने तेल में ये डाला हुआ है। देन हमने यहाँ पर डाली हुई है हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ कलर दे सकती है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई मिर्ची हरी होती हैं, और ये वाली मिर्च आप देख के समझ सकते हैं कि हरी मिर्च काम की नहीं है, बस डाल दी। यहाँ पे प्याज, पत्ता गोभी, और साथ ही साथ यहाँ पे है शिमला मिर्च, ये हमने इसमें डाला हुआ है। तो इसकी क्वांटिटी तो मैं नहीं बता पाई, बट जितना आपको रखना है, जितने वेजिटेबल्स आप डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो, और इसको अच्छे से मिला लेना है। सो आप इसे अच्छे से मिला लीजिए, प्याज को तोड़ लीजिए, ताकि प्याज एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग स्लाइस हो जाएं। तो यहाँ पे इन्होंने इनको अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें आप कैरेट डाल दीजिए, कैरेट आप कैसी काट रहे हैं वो डिपेंड करता है। बाबू ने ऐसे घिस ली थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अटर भी लगती है, और सेकेंड ये थोड़ी बारीक उन्होंने काटी। अब इस सब्जी को आप कितना कुक करना चाहते हैं वो भी डिपेंड आपके ऊपर करता है। हम लोगों ने इसे 40% सिर्फ कुक किया था, इससे ज़्यादा कुक नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कच्चा टेस्ट ही अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सफरिंग मटर, यानी कि फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर को डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दीजिए। और फ्रोज़न मटर थोड़ी सी पकी हुई सी होती है, तो अगर पहले हम डाल देते ना तो वो अच्छे से 100% कुक हो जाती। उसके बाद बाबू ने इसमें ऐड किया था क्या, ये है देखो हम भूल गए अब,
ओके सो ये है सेजवान चटनी जो उन्होंने डाली हुई है, और इसको अच्छे से मिला लेना है। और इसके बाद आप देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। सो, इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो राइस हमने पंखे में रखे थे वो पूरे रूम टेम्परेचर पे हो जाएं, तब आप इसमें इसको पलटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा राइस है वो कितना खिला खिला बना हुआ है, और जब ये इतना खिला खिला बनता है तो फिर ये टूटता भी नहीं है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल अच्छे से ठंडे हो जाने चाहिए। सो, यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें सारे सॉसेस, मतलब सारे बाबू ने सॉस डाले हुए थे, जैसे कि सोया सॉस, विनेगर वगैरह। सबसे पहले बाबू ने यहाँ पे डाला हुआ है आधी आधी चम्मच करके दो बार विनेगर, तो यानी कि एक चम्मच, ठीक है। तो एक चम्मच डालना है हमें यहाँ पे विनेगर छोटी स्पून से, और उसके बाद एक स्पून आप इसमें डाल दीजिए रेड चिली सॉस, ठीक है। और ये रेड चिली सॉस पता नहीं कौन सी ब्रांड के हैं, और ये वाले तीखे नहीं हैं, क्योंकि अभी आप पता ही है लॉकडाउन के चक्कर में मिल नहीं रहे थे, तो जो मिले वही आ गए। तो एक चम्मच रेड चिली सॉस। अब इसमें आप डालिए ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस आप आधी चम्मच डालिए, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आपने रेड चिली सॉस ऑलरेडी एक चम्मच डाला हुआ है, ठीक है। देन आपको इसमें डालना है क्या, सोया सॉस। सोया सॉस, ये अगर डार्क सोया सॉस होता तो आप इसमें आधी चम्मच से काम चला सकते थे, बट क्योंकि ये डार्क नहीं है तो आप इसे एक चम्मच डाल दीजिए। एंड उसके लास्ट एट द लीस्ट कि आपको इसमें डालना है नमक, ठीक है। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, नमक को और इन सबको अब मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि नीचे से आपको मिक्स करना है, सिर्फ इनको मतलब एक तरीके से मिलाना है, चावल टूटना नहीं चाहिए। और बासमती इंडिया गेट राइस लिया था मैंने, पहले बता दिया, नहीं तो मतलब आप लोग वो पूछो उसके पहले बता देती हूँ। ये देखिए हमारा ये बन चुका है, अब इसे हम ढक के रख देंगे और फिर थोड़ी सी हवा लेने के बाद ही हम खाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मी तो किचन में लगनी ही है। सो, बन गए, कंप्लीट हो गए। हवा में बैठे हुए हैं हम लोग, थोड़ा सा पंखा चला के, क्योंकि गर्मी सी लगने लग गई है। और सो, जो वेज फ्राइड राइस हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा हवा ले लो, फिर उसके बाद खाएंगे, क्योंकि तभी खाने में मज़ा आएगा। एंड सुबह की पाव भाजी भी बाबू बहुत अमेजिंग बनी थी, लेकिन रेसिपी पता है मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सो रही थी जब बाबू ने आधी सी बना ली थी, तो कोई मतलब नहीं था फिर वो आधी आधी रेसिपी लेते। आप बना के रख देते, आप रेसिपी लेते। अरे याद ही नहीं रहा यार, ये नंबर में आया और बना दिया। हाँ, मैंने क्या ना अभी कल मोबाइल चार्ज भी था ना, चार्ज भी लगा। हाँ, मेरा और मेरे मोबाइल से शूट इसलिए ये करते हैं क्योंकि मैं इसी से एडिट करती हूँ, तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज भी था। तो अभी बस खाएंगे थोड़ा सा, हमने सोचा आराम कर लें। इसमें तो दो मेघा दिख रही हैं। वो एक मेघा आपने हटाई नहीं ना, वो मेघा अभी लटकी पड़ी है इसीलिए, बाकी कोई बात नहीं, लटके रहने दो, जितने दिन लटक सकते हो उतने दिन तो लटकेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बट ये है कि बाबू आपने इतना अच्छा खिला दिया ना, कि मैं इतनी तबीयत खराब थी, सब ठीक हो गई। सही है पति, हाँ वेज फ्राइड राइस बहुत टेस्टी बनता है, ये बहुत टेस्टी लगता भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाती, मुझे खाने का बहुत शौक है, बनाने का नहीं है। चाइनीज डिश हमें क्या बहुत पसंद है, बाबू को पसंद है तो उतना ही बनाना भी पसंद है। अब पसंद तो है बनाना, लॉकडाउन में कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब मिलता तो है पर बाहर का खाना अब नहीं खा सकते। मिलने अब सब लगा है, जोमेटो से आप कुछ भी ऑर्डर कर दो, लेकिन अब हम लोग नहीं मंगा सकते फिलहाल, तो डर लगता है अब। चलो लाती हूँ मैं। हाँ सो गाइज़, यहाँ पे मैंने परोस लिए हैं अपना खाने के लिए, और हम लोगों ने सुबह में क्योंकि वो खा लिया था तो थोड़ा पेट भी ज़्यादा भरा हुआ था, सोच रहे थे कि बाद में खाएंगे, बट मैं सो गई और सोने के उठने के बाद तो मैंने खाया, मतलब जैसे ही मैंने वीडियो एंड किया था थोड़ा सा और खाया था। और बाबू को ये मतलब बाबू बोल रहे थे कि ये भाजी इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पाव भाजी की जो भाजी थी ना वो भी रखी हुई थी, तो मैंने वो रख ली, लेकिन वो सच में इतनी टेस्टी लग रही थी कि बाद में खुद बोल रहे कि मेघा ये बहुत अच्छी लग रही है, पहले टेस्ट करने के लिए भी बोल रहे थे, कह रहे थे नहीं यार इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर बाद में खाई। और मुझे ना एकदम सूखा सूखा खाने में मज़ा नहीं आता है, और सेकंड चीज़ ये भी है कि मैं अभी रोटी वगैरह नहीं खा पा रही हूँ, मुझे रोटी खाने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। समस्या मीन्स कि मेरे पेट में जितना ज़्यादा वजन जाता है पेट में उतना ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं राइस का कुछ भी खा रही हूँ वो अच्छा लग रहा है,
ये इतना टेस्टी बना था, बिलीव मी गाइस, क्या बताऊँ। आप प्लीज़ बना के देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। बिकॉज मैं सच बताऊँ, इतना टेस्टी लग रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि होटल का खाते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम था, कोई टेस्ट अलग था ही नहीं। और अगर पति कुछ ऐसा बना के खिला देते हैं ना, तो आप कितने भी बीमार हो या आप कुछ भी हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आप बिल्कुल खुश हो जाते हो। और इतनी केयर ही तो चाहिए एक वाइफ को, चाहिए क्या है। मतलब कि अगर हस्बैंड प्रेगनेंसी में, बाबू तो ऐसे ही मेरा ख्याल रख रहे हैं, आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही ख्याल रखते हैं, मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट आए थे ये, तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है, सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट अगर किसी का चाहिए होता है इस टाइम पर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हस्बैंड का। क्योंकि मतलब एक सपोर्ट, एक प्यार, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें कर रही थी, बट वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, एंड मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको एडिट कर दिया, वॉइस ओवर कर दिया। और मिशिका भी हम लोगों के साथ ऐसे खाती है, लेकिन हाँ, मिशिका की एक आदत हो गई है कुछ दिन से, जब से ये लॉकडाउन लगा है, कि खाना खाती है तो उसको मोबाइल हाथ में चाहिए होता है, जो कि बहुत बुरी बात है। तो यानी खाने के बाद बाबू मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं सोने चली थी क्या, मतलब उनको ये भी पता नहीं था कि मैं कैमरा भी ऑन करके बैठी हूँ। लेकिन वो समझ गए थे, मैंने उनसे कहा नहीं नहीं ऑन नहीं है, ऑन नहीं है, कैमरा मीन्स मोबाइल। तो यहाँ पे वो ट्राई कर रहे थे, और वो मुझे हमेशा ऐसे ही सुलाते हैं, जब भी सुलाते हैं, देखो देखो, उनको यही पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। बाद में कैमरा साइड देख रहे, कह रहे अच्छा कैमरा ऑन है, हमको बना। मिशिका अपने पापा से कैसे लड़ती है, प्यार करते हैं, प्यार में लड़ाई करता है, पर्दे के पीछे जाके लड़ रही वो। ओ, पापा को मार दिया मिशिका ने, पापा को मार दिया। बस मिशिका प्यार कर लो पापा को। हाय गाइस, सो गाइज, आप सोच रहे होंगे मिशिका ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, तो एक्चुअली मैं बाबू मुझे सुला रहे थे और उसको पूछा नहीं, तो उसको बहुत बुरा लगा। और वो क्या है ना, उसको पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है, उसकी मम्मा उसके पापा दोनों ही उसको प्यारे हैं, लेकिन इस चीज़ में प्यारे नहीं है। ये चीज़ नहीं चाहिए उसको कि मतलब दोनों साथ में लेटे हों और उसको पूछा भी ना हो, ये नहीं चाहिए। और वो खेल रही थी तो बाबू ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, डॉल डॉल खेल रही थी। इसके बाद गाइज मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ ही रही थी उसी टाइम पे। और ये देखिए बादल कितने तेज़ हो चुके हैं, सो के उठी हूँ तो देख रही हूँ मौसम कुछ ऐसा सा है। चलिए मिलती हूँ कैमरे के सामने। गाइज मैं सो गई थी, आप लोगों ने देखा था, मैं उस टाइम पे लेटी थी, मतलब मैं ट्राई कर रही थी सोने का, बट मिशिका सोने नहीं दे रही थी। लेकिन फाइनली मैं 1 से 1.5 घंटे सो ली अच्छे से, और अभी बज रहा है मतलब 5:30 हो गए हैं। और मतलब बादल जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि पानी ज़रूर से गिरेगा, बारिश जैसा मौसम हो चुका है। तो आज पानी तो गिरना ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस भी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब अजीब सा फील हो रहा है ना, गर्मी बोल सकते हो आप इसे, मतलब एक सफोकेशन टाइप का हो रहा था। तो अभी देखते हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, और हो जाए, थोड़ी बारिश हो जाती है ना तो घर में ठंडक आ जाती है, बाहर का माहौल अच्छा लगने लग जाता है। तो बस ऐसी ही चीज़ें हैं, और कुछ वहाँ पे दिख सकते हैं कपड़े पड़े। मिशिका की हरकतें होती है, सब बेड पे ला के रख देती हूँ, और फिर जब मैं सोने होने के लिए होती हूँ सब उठा के यहाँ रख देती हूँ, फिर जब एकदम ऐसा लगता है कि अब चलो सफाई करनी है तो कर लेती हूँ। सो अभी बस इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये ब्लॉग, अगर पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और घर का।